तो हेलो रुन, जय श्री राम। डेली में स्वागत है। डेली वर्क आज 128 दिन है और आज सबको रोज किट दिन मुबारक हो। नहीं, आज आपको आपके पूरे परिवार को, मतलब कि आप ये तो रोज डे के अगले दिन का है, लेकिन आज ही मैं बताया दे रहा हूँ आपको, आपके पूरे परिवार को गुलाब दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई किन किन लोगों की आज मोहब्बत दूसरों के साथ गुलाब के साथ, वो दूसरों के हाथ में गुलाब लेके और किसी की रेस्टोरेंट में या कोई बेरी गार्डन में, मतलब रेडिडेंसी में, कोई पार्क में गोदी में बैठा हो, चिनारा कर रहा हो। ठीक है, हम लोगों को तो भाई वैलेंटाइन डे से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग आज सुबह कहा कहते हैं कहीं निकले तो नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ एक चीज देखी, पता है क्या? जो हमारे सामने पता है काफी फील्ड वाला जो एरिया पड़ा हुआ है, उसमें एक लड़की, पहले एक लड़के से मिली उसने उसको गुलाब दिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का है उसने उसको गुलाब दिया, फिर तीसरा लड़का है उसने उसको गुलाब दिया फिर से। देखो वैलेंटाइन, और लड़की कर क्या रही थी? वो गुलाब फेंक रही थी। देखो वैलेंटाइन डे से तो अपने तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है? अपना इस समय बोट टाइम डे है, शिवरात्रि वाले, इस समय बोट डे चल रहा है, नन्नू का बोट देना है, ठीक है? अबे भाई घर वाले ऐसा सबकी निगाहों से देख रहे हैं, मैं कोचिंग निकला कपड़े पे भाई, अब मंगे बन के तो चल के चले 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 जाए, हम लोग जाएंगे इवेंट में, ठीक है, अटेंड करने, तमाम आपको दिखाएंगे। 14 तारीख को ही जाएंगे। हाँ, एक कॉलेज की ओपनिंग है, घर में बताया इवेंट है, प्लान है, ठीक है। 14 हम लोगों को बुलाया गया है अलग से भी, 14 तारीख को एक स्कूल की ओपनिंग है, हम ही लोगों के बहुत ही, हमारे जो टीचर हैं उन्हीं का स्कूल खुल रहा है, तो उनकी ओपनिंग है, आप लोगों को पूरा दिखाएंगे 14 तारीख को। बस घर वाले आज बहन चोद कपड़ा पहन के, अच्छे से कपड़े पहन के जा रहे थे, घर वाले यूं देख रहे हैं कहाँ जा रहे हो, कोचिंग तो नहीं जा रहे हो? हमने कहा भंगी बन के चले जाए, बोरा लपेट ला। हाँ, बोरा लपेट के चले जाए, है करिए, इतना साफ रोज साफ सुथरे बन के जाते हैं, इसी बात नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको, अब चलना जरा एक चुत भाई से मिल जाते हैं, फिर चलिए फिर। तो छोड़ दिया है मैंने इसको भी, और इतना घंटा मुझे छोड़ा गाड़ी, मैं चला के लाता रोज ये छोड़ता, ये गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये साला रोज मुझे छोड़ता है, यही मैं सोच रहा था लेके मैं आता हूँ गाड़ी, ये मुझे कैसे छोड़ रहा है। मच्छर ने ब्लो जॉब दे दिया। बेटा घर वाले अगर ये बात, आप नौकरी के नाम पे सिर्फ यही मिल रहा है, ये जॉब सिर्फ एक ही मिल रही है, ब्लो जॉब, वो भी मच्छर देते हैं। देखो भाई, मैंने एक दिन बात सोची कि मच्छर को हम लोग मारना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मच्छर हम ही लोगों का खून पीते हैं, ठीक है, हम ही लोगों का खून हुआ ब्रो, उसको काहे मारे फिर? लेकिन फिर बाद में ईगो हट हो जाता ना, तुम्हारी माँ का भोसला तुमने काटा कैसे, भोपड़े के बचा कुचा खून भी तुम चूस लो, घर वाले तो चूस ही रहे, तुम भी चूस लो। कुछ घर वाले, कुछ बोर्ड वाले, कुछ स्कूल वाले, अगले साल से कॉलेज वाले। स्कूल तो हम लोगों को गए हुए जमाना हो गया भाई, 10th में स्कूल गए थे वो लॉकडाउन के बाद से, तो हम कभी देखे भी नहीं स्कूल। मैं बताता हूँ, मैं लॉकडाउन के बाद मैं स्कूल गया, पता, मैं अपने स्कूल का वो रास्ता ही भूल गया, मेरे दो गेट है, मैं ये भूल गया कि क्या कहते हैं इस गेट से जो क्या कहते हैं जो पड़ेगा मेरी बिल्डिंग कौन सी है। तो मैं ये सोचो, मैं लॉकडाउन 10th के बाद से मैंने स्कूल में झांका नहीं है यार, 11th में सिर्फ एक महीना स्कूल गया था, ठीक है, उसके बाद से स्कूल नहीं गया, 10th में और 12th में तो मैं स्कूल ही नहीं जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, ये अगर कोई जल्दी जल्दी जिसको थूकना होता है, कभी कभी थूकते वक्त क्या कहते हैं किस किस के मुंह में दो तार की चाशनी बन जाती है, थूक के वापस आ रहा है, बाद में चला सड़क का उठा के अंदर भेज दे, बाद में तो पॉइंट है। चलो फिर चलिए फिर आगे दिखा दो। अरे हाँ, एक बात और भाई, इस बार बताया गया बोर्ड में क्लीन शेफ में जाना है, सही बात है भाई, ऐसा ना कहो यार, बड़े मनहूस लगते यार क्लीन शेफ में, हम एडमिट कार्ड से सगाई नहीं मैच होगी, हम खुद को देख के मर जाएंगे क्लीन शेव में, अगर मैंने खुद को देख लिया तो। इसको तो बोर्ड वाले पहचानेंगे भी नहीं, किए कहेंगे निकल यहाँ से भोसले के, तू नहीं है इसमें अलग है तू मेरी, भाई बोर्ड में भी जो फोटो लगी वो दाढ़ी लगी है। मैं तुमको बताता हूँ, अगर ये बोर्ड में जा रहा है और इसने खाली ये अपना चश्मा उतार दिया, अब बता उसको कोई पहचान सकता है? ये दूसरा नहीं है, ये वही है, मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी, खानदानी स्मार्ट हूँ थोड़ी के मैं। चलो फिर अब आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय श्री राम बाबा, कुड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो भाई यहीं पे वीडियो अब एंड करते हैं, कि कोई आज फिर कंटेंट नहीं मिला, ठीक है, और अभी कल कहीं जाएगी तो कंटेंट ढूंढ के लाएगी, उसके बाद बाय बाय।